लोडिंग स्क्रीन मिल जाएगी, आपको मेन्यू मिल जाएगा, और कुछ सेटिंग्स करने के बाद आपका गेम और भी ज़्यादा स्मूथ एंड अच्छा ग्राफिक्स हो जाएंगे। और इस मोड पे के साथ में आपको काफ़ी सारे कंट्रोल एंड आपका जो GTA 5 का मैप है वो आपको मिलने वाला है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड जैसा कि आपने स्टार्टिंग के अंदर तो देखा कि कुछ चीज़ें इस मोड पैक के अंदर आपको मिलने वाली है जो कि कुछ GTA 5 से सिमिलर होने वाली है। और GTA 5 के इस मोड में 2023 के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हुई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनाने वाली है अपने गेम के अंदर, क्योंकि आप इस मोड के जरिए अपने गेम के अंदर काफ़ी कुछ GTA 5 से रिलेटेड सिमिलर चीज़ें कर सकते हो। GTA 5 से रिलेटेड आपको कुछ कार्ड्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसा कि आपने अभी देखा अपने GTA 5 मोड पैक के गेम प्ले के अंदर। और वो वाला जो मोड पैक है उसका इंस्टॉलेशन भी आपको इस वीडियो में दिखने वाला है, साथ में कुछ सेटिंग्स आपको करनी होगी जो कि हर एक फ़ोन के लिए अलग होती है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो ग्राफिक मोड का जो गेम प्ले है ये भी अभी आपके सामने पूरा का पूरा डिस्प्ले होने वाला है। बट उससे पहले आई वॉन्ट टू से दैट GTA San Andreas के मोड काफ़ी टाइम बाद में ला रहा हूँ ये वाला, इससे पहले जो मैं मोड लाया था बहुत टाइम पहले लाया था। और आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम यू पीपल दैट क्या मुझे GTA San Andreas से रिलेटेड कॉन्टेंट रेगुलर रखना चाहिए कि नहीं, क्या आपके सजेशन से, आई वॉन्ट योर सजेशंस। एंड मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में मुझे बताएं कि क्या सीन रहने वाला है आगे का, एंड किस तरीके के कॉन्टेंट जो है आगे आप चाहते हो कि चैनल पे अपलोड हुए। सो प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपने राय जो है ज़रूर बताना, अपना सजेशन ज़रूर देना कि क्या कंटेंट अपलोड करना चाहिए आगे के टाइम पे। एंड अभी के लिए आप ये गेम प्ले देख सकते हो, ग्राफिक GTA 5 ग्राफिक्स मोड का जो आपके सामने गेम प्ले है वो आ चुका है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जो ग्राफिक्स क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। एंड आप GTA 5 के कार्स यहाँ पे देख सकते हो, टेक्स्चर्स आपको वैसे मिलने वाले, रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऐड किया गया है जो कि इस मोड पे को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। साथ में आप यहाँ पे वेदर चेंज कर सकते हो एज यू कैन सी, और वेदर के साथ में आपको कुछ ऐसी लाइट्स देखने के लिए मिलने वाली है। और GTA 5 के जो सिमिलर स्ट्रक्चर है वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं, लाइक कंट्रोल्स, लाइक आपका मैप हो गया, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप मनी आप ऊपर देख सकते हो, मनी के जो आइकन से वो चेंज कर दिए गए हैं। और उसके साथ में यहाँ पे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो चेंज किया गया है इन दिस मोड पैक, और जो कि आपको अमेजिंग बनाने वाला है इस गेम के साथ में। और 2023 मोड पैक है, सो आई होप कि काफ़ी लोग एक्साइटेड होंगे इसको डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए इंस्टॉलेशन पे लेके चलता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान आपको रखना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो इस वीडियो में आप पूरा कम्प्लीटली देखिएगा, वरना आपको इश्यूज आ सकते हैं और आपका गेम जो है क्रैश हो सकता है या फिर लैग हो सकता है। और अगर आपको अपनी गेम की परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हो, हाउ टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, हाउ टू रिमूव लैग इन GTA San Andreas। सो चलते हैं इंस्टॉलेशन की ओर, सो लेट्स डू इट। वो फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, आप डायरेक्ट क्लिक करोगे मेरी वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। दो पार्ट्स का आपको डाउनलोड करना है और दोनों में से एक पार्ट का आपको एक्सट्रैक्ट करना है, दोनों पार्ट्स को डाउनलोड करना ज़रूरी है। और पासवर्ड आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हो, पासवर्ड डालने के बाद में आप सीधा ओके करोगे, और ओके करने के बाद में एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस चालू होगा जिसका आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में हम जाएंगे। एंड फोल्डर में जाने के बाद में यहाँ पे हम सीधा फोल्डर को कंप्यूटर रॉकस्टार गेम्स और GTA को कट करके एंड्रॉइड डेटा के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मेक श्योर यहाँ पे जो फोल्डर होगा उसको रिमूव कर देना, ठीक है। ये वाला फोल्डर हम पेस्ट करेंगे, देन हम इसी फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो GTA 3 के अंदर हम जाके रीनेम को यहाँ पे रीनेम से हटाएंगे और हम लिखेंगे अपने GPU के अकॉर्डिंग नेम, जो कि आपको पता होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आपको ओके ओके करते जाना है। सो मिलते हैं रीनेम करने के बाद में। आफ्टर रीनेम यू कैन ओपन योर गेम एंड मेक श्योर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने वेबसाइट पे लिखी हुई है अबाउट दिस मोड पैक कि क्या क्या आपको करना है। एंड मेक श्योर आपका जो गेम आप स्टार्ट करोगे वो न्यू गेम के साथ करोगे, प्लीज डोंट स्टार्ट विथ लोड स्क्रीन, अदरवाइज योर गेम विल बी क्रैश। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका मोड पैक है ये परफेक्टली गुड टू गो आपका रेडी है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, आपके सजेशन मेरे को जरूर चाहिएगा इन कमेंट, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। So that's it, and bye bye.